हेलो स्टूडेंट आज हम न्यू बुक स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है किस प्रकार के रूल्स रेगुलेशन्स हैं वो पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल लाइफ यानी राजनीतिक जीवन हमारे देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार चल रही है सरकार किस प्रकार काम कर रही है हमारे नेता किस प्रकार के काम कर रहे हैं ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान इन दिस चैप्टर वी आई गोइंग टू बिगेन विथ फुटबॉल आ गेम मैनी ऑफ यू हैव प्रॉब्ली हेड ऑफ़ और इवन प्लेड इस चैप्टर में हम फुटबॉल के बारे में गेम फुटबॉल के गेम से स्टार्ट करेंगे शायद आपने इसके बारे में सुना होगा खेला भी होगा एज द नेम्स सजेस्ट डेट इज़ द गेम डेट इन्वॉल्व द प्लेयर फिट जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है ये गेम्स फिट यानी पाँव से खेला जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल इफ द बॉल टच इज़ द आर्म ऑफ एनी प्लेयर इस गेम्स के रूल्स के अकॉर्डिंग ये बॉल किसी भी खिलाड़ी के आर्म से टच हो जाती है एक्सेप्ट द गोल कीपर गोल कीपर के अलावा दैन दिस इज कंसिडर्ड अ फाउल अगर किसी खिलाड़ी के, के आर्म से टच हो जाती है तो उसको फाउल कर दिया जाता है सो इफ द प्लेयर स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देअर हैंड्स अगर प्लेयर्स फुटबॉल को अपने हाथों में खेल रहे हैं एक दूसरे को पास कर रहे हैं पासिंग इट अराउंड देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल तो वो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं एनी मोर वो कोई और गेम खेल रहे हैं सिमिलरली अदर गेम्स ऐसे ही दूसरे गेम्स होते हैं सच एज हॉकी एंड क्रिकेट ऑल्सो हैव रूल्स सब गेम्स के अपने अपने रूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेयर उसके अकॉर्डिंग उनको सभी प्लेयर्स को खेलना पड़ता है ईच ऑफ दिस रूल्स हेल्प डिफाइन द गेम हर गेम के अपने रूल्स उस गेम्स को डिफाइन करते हैं एंड हेल्पस डिस्टेंट गिज वन गेम फ्रॉम अदर ये बताते हैं कि ये गेम दूसरे से किस प्रकार डिफरेंट है एज दीज आर फंडामेंटल टू द गेम एंड वी कैन ये उसके रूल्स फंडामेंटल यानी मूलभूत रूल्स होते हैं नियम होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो गेम खेला जाता है वी कैन ऑल्सो कॉल देम द कॉन्स्टिटिव रूल्स ऑफ द गेम मूलभूत नियम उस गेम के लाइक दीज गेम्स आ सोसाइटी जैसे ही गेम्स के रूल्स होते हैं ऐसे ही सोसाइटी के भी रूल्स होते हैं सोसाइटी ऑल्सो हैव कॉन्स्टिट्यूटि रूल्स डेक मेड इट वॉट इज एंड डिफ्रेंटेड इट फ्राम अदर काइंड ऑफ सोसाइटी जो उसको अदर काइंड सोसाइटी से अलग बनाती है इन लार्ज सोसाइटी बड़े लेवल के जो समुदाय हैं इन विच डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ द पीपल लिव टुगेदर तो अलग अलग तरह के लोग एक साथ रहते हैं दिस रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू कंसेंस एंड इन मॉडर्न कंट्रीज द कंसेंसिस इज यूजली अवेलेबल इन रिटर्न फॉर्म अलग अलग नेचर के लोग सोसाइटी में रहते हैं तो उनके द्वारा एक आम सहमति बना के अकॉर्डिंग रूल्स बनाए जाते हैं द रिटर्न डॉक्यूमेंट्स इन विच वी फाइंड लिखित रूप से जो रूल्स हम हमें मिलते हैं इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहेंगे संविधान इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में और कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है ये इसमें ये इस, डिस्क्राइब किया गया है कि सिक्स और तो सेवन्थ की बुक में भी इसके बारे में बताया गया है आप लोगों के लिए तो अभी नई बुक लगी है आपने सिक्स सेवन की बुक नहीं पढ़ी है लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मैं आपको इजी गोइंग समझा दूंगी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कैसे उसके फीचर्स हैं और कैसे वो डेमोक्रेसी में काम करता है ये पढ़ेंगे आज फिर है वाई डजेंट कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है टुडे मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन अधिकतर देश के अधिकतर वर्ल्ड के अधिकतर कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन है वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन अधिकतर डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको संविधान मिलेगा इट इज़ नॉट नेसेसरी ऑल द कंट्रीज डेट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेट लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि जहाँ भी संविधान है वो सारे ही कंट्री क्या है डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक है द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पज कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे बहुत से पर्पस होते हैं फर्स्ट इट ले आउट सर्टन आइडियल्स डेट फ्रॉम द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री सबसे पहले ये कुछ रूल्स बनते हैं कुछ वैल्यूज होते हैं जिसके आइडियल्स होते हैं जिसके आधार पर उस देश के जो नागरिक होते हैं डेट वी एज सिटीजन अस्पेयर टू लिव ऑन उनकी कुछ आकांक्षाएं होती है जिसको उसके माध्यम से वो प्रकट करते हैं पुट अनदर वे अ कॉन्स्टिट्यूशन टेलर्स वॉट द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि उस कंट्री का फंडामेंटल नेचर कैसा है अ कंट्री इज़ यूजली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज कोई भी कंट्री अलग अलग कम्युनिटीज से बनता है कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर सर्टन बिलीवस उनके कुछ रूल्स रिलीव बिलीव्स होते हैं डेट में नॉट नेसेसरी एग्रीज ऑन द इशूज ज़रूरी नहीं है कि वो सारे इशूज़ पर एग्री हो लेकिन एक जो रूल्स होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस पर वो आम सहमति के अकॉर्डिंग नियम रूल्स बनते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश की मदद करता है कि उनके जो रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें ऑल पर्सन इन अ कंट्री जिसमें देश के सभी नागरिक एग्री होते हैं कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वॉन्ट द कंट्री टू बी गवर्न कि उस देश की सरकार किस प्रकार काम करे दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इसमें ये नहीं बताता कि किस प्रकार की सरकार बट ऑल्सो एग्रीमेंट ऑन सर्टन आइडल्स कुछ आइडल्स पर एक एग्रीमेंट होता है डेट दे आर ऑल बिलीव द कंट्री शुड अप होल्ड कि किस देश को किस तरह से शासन करना चाहिए अब ये संविधान बनाने वाले कौन थे हमारे कुछ नेता थे इन नाइनटीन थर्टी फोर इंडियन नेशनल कांग्रेस मे द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूट असम्बली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशंस का निर्माण किया गया था ड्यूरिंग द मतलब सबसे पहले नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1934 में लीगल रूप से इसकी डिमांड करी थी कि ये जो संविधान सभा बनेगी उसमें सिर्फ इंडियंस ही होंगे और वो अपने देश के लिए संविधान बनाएंगे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध के समय दिस असिस्टेंस फॉर एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड ओनली ऑफ इंडियंस गेव मोनोमेंटम कि इसमें केवल इंडियंस ही होंगे एंड दिस वॉज कन्वेंड इन दिसंबर 1946 और आखिर में दिसंबर 1946 में संविधान सभा का निर्माण हो गया था दू फोटो ऑन पेज टू शो सम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पेज नंबर टू पर देखिए कुछ है? ये सारे ये सारे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इन्होंने हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में अपना योगदान दिया था बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 1946 से 1949 तक हमारी संविधान सभा ने कि, किसका निर्माण किया था ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया फ्री टू सेव दर डेस्टिनी एट लास्ट आफ्टर वन फिफ्टी ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल द मेम्बर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनली असेंबली अप्रोच दिस ड विद द ग्रेट आइडम डेट द फ्रीडम स्ट्रगल हैल्प प्रू एक सौ पचास वर्षों के ब्रिटिश रूल्स के बाद हमारे देश के स्वतंत्र भारत के भाग्य के निर्माण के लिए इन संविधान सभा में इस पे काम किया गया हमारे देश का संविधान का निर्माण किया गया और इसमें फ्रीडम स्ट्रगल्स की भावनाओं का भी ध्यान रखा गया यू विल रीड मोर अबाउट द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अदर इन द चैप्टर द फोटो अलॉन्ग साइड सो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ये रहे जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश की संविधान सभा को संबोधित कर रहे थे द कंट्री ऑफ नेपाल हैज़ विटनेस सेवरल पीपल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी नेपाल ऐसा कंट्री है जो इस बात का गवाह है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी के लिए का काफ़ी लोगों ने संघर्ष किया देर वॉज ए पीपल स्ट्रगल इन नाइनटीन नाइन्टी दैट स्टेब्लिश डेमोक्रेसी डेट लास्टेड फॉर ट्वेल्व ईयर्स नाइनटीन नाइन्टी में संघर्ष करने के बाद अगले बारह तो तक यहाँ पर डेमोक्रेसी सेटअप रही है टू थाउजेंड ट्वेल्व तक इन अक्टूबर टू थाउजेंड टू द किंग ज्ञानंद्रा सिटिंग द अपराइजिंग इन द कंट्री साइड एज हिज रीजन बिगेन टेकिंग अवर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द गवर्नमेंट विथ आर्मी असिस्टेंट किंग ज्ञानंद्र ने टू थाउजेंड ट्वेल्व में माओ आंदोलनकारियों के बढ़ते हस्सेप के कारण uh, मतलब इनका रीजन बताने के कारण गवर्नमेंट का जो काम कामकाज था सीधे अपने हाथों में ले लिया आर्मी की मदद द किंग दैन फाइनली टुक अवर एज देंड ऑफ द गवर्नमेंट इन फरवरी टू थाउजेंड फाइव आखिर में सरकार का जो मुख्य बन गया फरवरी टू थाउजेंड फाइव में ज्ञानेन्द्र था इन नवम्बर टू थाउजेंड फाइव ज्वाइन द अदर पॉलिटिकल पार्टी टू साइन ए ट्वेल्व पॉइंट एग्रीमेंट उसके बाद माउस्ट लोगों ने अदर पार्टी के साथ बारह पॉइंट बारह पॉइंट लेकर एग्रीमेंट किया दिस एग्रीमेंट साइन साइ टू द लार्जर पब्लिक एंड इमेंट रिटर्न टू डेमोक्रेसी एंड पीस ये एग्रीमेंट एक तरह से डेमोक्रेसी के अमन चैन के बदले था एक एग्रीमेंट था इन 2006 थाउजेंड सिक्स दिस पीपल मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगेन गेनिंग इमेंस फोर्स और 2006 में लोगों का आंदोलन डेमोक्रेसी के लिए अपने शिखर पर पहुंच गया एक ट्रिपिटली रिफ्यूज द स्मॉल कंस द किंग मेड फाइनली इन अप्रैल टू थाउजेंड सिक्स द किंग रेस्टोर द थर्ड पार्लियामेंट आखिर में लोगों के आंदोलन से प्रभावित होकर किंग ने अप्रैल 2006 में थर्ड पार्लियामेंट के लिए एग्री हो गया आज द पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी को ये अथॉरिटी दे दी कि वो सरकार बना सकते हैं इन 2008 नेपाल बिकेम अ डेमोक्रेसी आफ्टर अबोलिशिंग द मोनार्चीज टू में ने, नेपाल में डेमोक्रेसी स्थापित होगी मोनारची को यानी राजतंत्र को हटाकर द अबव फोटो शोज सीन फ्रॉम द पीपल मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन टू थाउजेंड सिक्स ये सारी फोटोज़ ये बताते हैं कि किस तरह नेपाल में डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन हुआ था लेटेस्ट आई एंड अंडरस्टैंड वॉट वी मीन बाय दिस थ्रो टू कंस्टिंग सिचुएशन इन रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल हम दोनों uh, दो तरह की सिचुएशन्स पढ़ेंगे कि नेपाल की हिस्ट्री में क्या हुआ था अ कंट्री डेट बॉर्डर इंडिया ऑन द नॉर्थ नेपाल हमारे इंडिया के नॉर्थ की तरफ है अनटिल रिसेंटली नेपाल वॉज मोनार्च द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन नाइन्टीन नाइन्टी हालाँकि नेपाल एक राजतंत्रात्मक कंट्री था और यहाँ पर नाइन्टीन नाइन्टी में डेमोक्रेसी का सेटअप किया गया था तो यानी लोकतंत्र स्थापित हो गया था रिफ्लेक्टेड फैक्ट डेट फाइनल ऑथॉरिटी रिस्टोर विद द किंग द पीपल मतलब उससे पहले फाइनल ऑथॉरिटी किसके पास थी किंग के पास मुनाशी था यानी राजतंत्रात्मक था आ पीपल मूवमेंट इन नेपाल फोर्ट फॉर सैर डिकेटेवली डेमोक्रेसी वहां के लोगों ने कई सालों तक डेमोक्रेसी को सेटअप के लिए संघर्ष किया इन टू थाउजेंड सिक्स दे फाइनली सब्सिडी इन पुटिंग एंड एंड आखिर में उनको टू थाउजेंड सिक्स में इनका सफलता मिली और टू द पावर ऑफ द किंग द पीपल राइट है तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और वहाँ के लोगों ने एक नया संविधान बनाया टू एस्टेब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी उस संविधान में स्पष्ट किया गया कि नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री है द रीजन डैट दे आर नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू विथ द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन और इसीलिए यहाँ के लोग प्रीवियस यानी पहले वाले संविधान को नहीं फॉलो करना चाहते थे इज बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडल्स ऑफ द कंट्री क्योंकि पहले जो था मोनाची सिस्टम था और उसको वो फॉलो नहीं करना इसलिए उन्होंने नए संविधान का निर्माण किया डैट दे वॉन्ट टू नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फॉट फॉर इट एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर जैसे कि फुटबॉल में जो फुटबॉल फिट से खेला जाता है उसमें हाथ में टच होने पर आउट समझा जाता है उसी तरह हाथ से खेलने पे उस गेम्स का रूल ही चेंज हो जाता है इसी तरह डेमोक्रेसी के रूल्स अलग है मोनाचिस के रूल्स अलग है नेपाल बाय मूविंग फॉर्म ऑफ मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक गो यानी नेपाल में से लेकर बाद में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई तो इसलिए अलग संविधान का निर्माण किया गया वहाँ पे नीड टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू यूज इन न्यू सोसाइटी दैट इज़ वाई द पीपल ऑफ़ नेपाल अडोप्टेड आ न्यू कॉन्स्टिट्यूट इसलिए यहाँ के लोगों ने नया संविधान अपनाया फॉर द कंट्री इन टू थाउजेंड फिफ्टीन द कैप्शंस अलॉन्ग साइड एलोब्रेट्स नेपाल स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी मतलब इन पिक्चर्स के माध्यम से हमने बताया कि कैसे लोगों ने संघर्ष किया था द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्री सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पर्पज़ है कॉन्स्टिट्यूशन का वो नेचर बताता है कि उस कंट्री का नेचर कैसा है उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है फॉर एग्जाम्पल नेपाल एलियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल बाय द किंग प्रारम्भ का संविधान ये बताता है कि वहाँ पर जो रूल करता था राजा करता था और सारा और उसकी मंत्रिपरिषद के हाथों में सारा कामकाज देखा जाता था इन कंट्रीज डेट हैव अडोप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिसी बाद में डेमोक्रेसी फॉर्म को अपनाने के बाद वहाँ की पॉलिसी डेमोक्रेटिक गई एंड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रिशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस डेट गवर्न डिसीजन मेकिंग विथ इन दिस सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों को गाइड करता है कि सरकार के द्वारा किस प्रकार डिसीजन लिए जाएंगे इन अ डेमोक्रेसी वी चूज़ अवर लीडर डेमोक्रेसी में हम अपना नेता चुनते हैं सो डैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन अवर बिहार वो वहाँ पर जाके सदन में जा हमारी जिम्मेदारी पर आ, हमारे लिए काम करता है हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है हाउर देर इज ऑलवेज द पॉसिबली डेट दिस लीडर्स माइट मिसयूज देयर ऑथरिटी कई बार ये पॉसिबल हो सकता है कि ये लीडर अपनी पावर्स का मिसयूज कर सके द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली प्रोवाइड सेफ गार्ड तो संविधान उस समय संविधान हमारी सुरक्षा करता है अगेंस्ट दिस दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रोथ इन जस्टिस एज डेमोक्रेसी इस तरह का मिसयूज होना एक तरह से अन्याय है डेमोक्रेटिक कम डेमोस्ट्रेटेड जो प्रदर्शन करता है कि किस तरह से अन्याय किया जाता है तो उसको कैसे दूर किया जाए एंड इन द क्लासरूम सिचुएशन फॉलो जैसे जैसे हम इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं सुरेश इज द क्लास सुरेश क्लास का मंटर है ही इज ए वुलीज और वो काफ़ी दमंग है ये क्लासमेट आर नॉट टू फाउंड नी कोई भी उनको क्लास में उसको पसंद नहीं करता मिस मिसिस राव जो इनकी क्लास टीचर है द क्लास टीचर हैज़ टू लीव द क्लास रूम और सम अर्जेंट वर्क वो कुछ समय के लिए क्लास रूम छोड़ती है कुछ अर्जेंट वर्क के लिए इसी आज सुरेश वो सुरेश को कहती है कि क्लास को माइंड रखना सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल तो सुरेश अनिल को परेशान करना स्टार्ट करता है अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसिस राव वो कहता है कि अनिल मैं तुम्हारी शिकायत करूँगा मिसिस राव से बट वाट हैव आई डन वो कहता है कि मैंने क्या किया, किया। मैम वाइल यू आर अवे जब मैम क्लास में आती है तो सुरेश शिकायत करता है कि जब आप क्लास में गई अनिल कैप टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास कि अनिल बहुत तेज़ी से बातें कर रहा था और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था ही वुड नॉट नॉट लिसन टू मी वो मुझे भी नहीं सुन रहा था एंड यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टूडे तो मैं उस मैम ने उनके उसकी पूरी बात नहीं सुनते हुए उसको पनिशमेंट दी कि तुम uh, क्लास छुट यानी जब छुट्टी हो जाएगी उसके बाद यहाँ रुकोगे और उसके बाद लिखोगे मैं क्लास uh, के मॉनिटर को डिसोबे या उसकी आज्ञा का पालन करूँगा हंड्रेड टाइम्स में लिखो नॉट डिसोबे द कि मैं उसको डिसोबे नहीं करूँगा बट मैम डू नॉट डू एनी थिंग मतलब इसमें यह बताया गया है कि जो ये क्लास का मॉनिटर है अपनी पावर का मिस कर रहा है इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ले डाउन रूल्स डेट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी मिसयूज होता है पावर का उससे उस अथॉरिटी से, उस से हमको सेफ रखता है बाय पॉलिटिकल लीडर इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेदर इन दिस चैप्टर मैनी ऑफ दिज लॉज आर कंटिन्यू इन द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट अधिकतर जो जो हमें सेफ्टी दी गई है फंडामेंटल fund, राइट्स के थ्रू डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइट है ये सेवंथ क्लास की बुक में था कि एक दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मिकीज़ एक्सपीरियंस इन स्कूल फ्रॉम क्लास सेवंथ बुक इन दिस चैप्टर जिसमें ये बताया गया है वी टॉक अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस क्योंकि ओम प्रकाश दलित कास्ट का होता है तो उसको स्कूल में किस तरह से उसके साथ भेदभाव किया जाता है बिकॉज ही वॉज अ दलित यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी uh, हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है कि हम किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते द राइट टू इक्वलिटी उस संविधान के समक्ष सभी समान है राइट टू इक्वलिटी टू ऑल पर्सन एंड से डैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और ग्राउंड ऑफ द किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर रेज रंग जाति जेंडर यानी लिंग जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा र राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट जो इसमें हमारे जो फंडामेंटल राइट right, उसमें सबसे पहला राइट right है राइट टू इक्वलिटी जो हमें सेफ सेफ्टी देता है वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटी बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक क्वेश्चन भी आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इन वॉट वे इन द क्लास मॉन्टे मिस यूजिंग द हिज पावर इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन इज अ मिनिस्टर मिस यूजिंग पावर ये आप बताइएगा कि किस तरह से मिनिस्टर अपनी पावर का मिस यूज़ कर रहा है रिफ्यूज टू सेक्शन और प्रोजेक्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री फॉर साउंड टेक्निकल रीजन किसी टेक्निकल रीजन के कारण अपना वो कोई प्रोजेक्ट का मना कर रहा है थ्रेटन टू सेंड हिज सिक्योरिटी स्टाफ टू रब अपज नेबर अपने सिक्योरिटी हिसाब से अपने पड़ोसी को डरा धमका रहा है कॉल अप द पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन में कॉल करके आस्किन देम नॉट टू रजिस्टर कंप्लेन की उसके जो रिलेटिव हैं उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं दर्ज की जाए देट इज़ लाइकली टू बी फाइल अगेंस्ट हिज रेटिंग ये आपको समझाने के लिए है कि किस तरह से पावर का मिसयूज़ किया जा रहा है इस तरह से और उसको किस तरह से हम उस पावर मिसयूज पावर को किस तरह से रोक सकते हैं तो ये हम ये बता सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी सेफ्टी के लिए बनाया गया उसमें जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमको सुरक्षित करते हैं कि कोई हमारे साथ गलत व्यवहार ना कर सके